हेलो एवरीवन, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। दोस्तों, आज है हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मोल कंसेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन एचपी टेट और टीजीटी कमीशन में, मतलब बहुत श्योर है कि पूछा जाता है। टीजीटी ये मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। सबसे पहले मोल कंसेप्ट क्या है, मोल क्या है। मोल कंसेप्ट जो है वो एक केमिस्ट थे, विलहेलम ओस्टवाल्ड, उन्होंने ये मोल कंसेप्ट दिया था। लेकिन उसके बाद इसमें इसको स्टडी किया गया आगे से आगे, तो फिर इसमें एवोगैड्रो नंबर और भी बहुत कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। तो देखते हैं मोल कंसेप्ट। मोल जो है ये एक एसआई यूनिट है। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है हमें मोल। और मोल को हम लोग जो है वो MOL ऐसे लिखते हैं, ये मतलब SI सिस्टम में। जैसे हम लोग किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम वेट का यूनिट, वैसे ही मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है। अब मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले तीन चीजें, एक तो एटम, दूसरा एलिमेंट, तीसरा मॉलिक्यूल, इन तीनों के बीच में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ये तीनों हमने हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा यहां पे भी बता दूं, एटम क्या होता था। एटम जो है मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मिलके हमारा मैटर बनता है। एटम जो है वो सबसे छोटा है एटम। उसके बाद जब बहुत सी एटम्स मिलती हैं, एटम्स के मिलने से क्या बनता है एलिमेंट। जब एटम्स मिलती हैं तो क्या बनता है, एक एलिमेंट। एटम्स के मिलने से क्या बनता है, एलिमेंट। और अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट हमने पढ़ा था 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट जो है वो किसके मिलने से बने हैं, उनकी पर्टिकुलर एटम्स के मिलने से बने हैं। अब एटम्स जो अगर सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में लिंक हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एटम जो है वो बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है, बहुत फंडामेंटल, बहुत छोटे से छोटा पार्ट है जिससे मिलके हमारा मैटर बनता है। फिर जब बहुत सारी एटम्स मिलते हैं, एक ही काइंड के जब एटम्स मिलते हैं आपस में, तो वो बना देते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, अब हाइड्रोजन के एटम जब दूसरी हाइड्रोजन के एटम से मिलेंगे तो ये H2 बना देंगे, है ना। तो H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ये तो था सेम के केस में, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब डिफरेंट, जैसे H2 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो पानी बना देगी, मतलब उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलके पानी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद अब बात करेंगे यूनिट के बारे में। अब हम लोग हैं, हम लोगों का जो वेट है वो मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में। कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए स्पेसिफिक यूनिट्स बने हुए हैं। तो
पीरियोडिक टेबल में हमारे जो 118 एलिमेंट्स हैं, जो कि छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने हैं, तो वो जो एटम है ना, उन एटम्स को का मास मेजर करने के लिए भी तो कोई एक यूनिट स्पेसिफाइड होगा। लिखेंगे कि एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आई थिंक लास्ट ईयर वाले जो HP TAT के पेपर्स थे उनमें से किसी में आया था, आई थिंक मेडिकल या नॉन मेडिकल में किसी में आया था। तो मास ऑफ एटम इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट विच इज नोन एज AMU। AMU उसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब आज की डेट में जो है एटॉमिक मास यूनिट को AMU से तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब इसको शॉर्ट फॉर्म में U लिखते हैं, एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। U जो है वो यूनिफाइड मास उसको बोला जाता है। अब जैसे हमारा वेट किलोग्राम में होता है, फिर हम देखते हैं कि एक किलोग्राम कितने के बराबर होता है, हाँ जी 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। वैसे ही अब एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखेंगे। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम्स। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन को जो है यहां पे एक स्टैंडर्ड की तरह यूज किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड लेके चले हैं, पीरियड जिसने भी यूनिट ये दिया है उसने कार्बन को एक स्टैंडर्ड माना है। अब कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड माना है, इसके लिए भी कुछ रीजंस थे। जैसे कार्बन जो है वो इजीली मिल जाता है, ठीक है, कार्बन जो है वो इजीली मिल जाता है। दूसरा रीजन है कि कार्बन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे हमारी एल्कली मेटल्स पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो एल्कली मेटल्स हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो। तो कार्बन जो है उनकी जितनी रिएक्टिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन कहीं पे पड़ा है और वो जल्दी से रिएक्ट कर लेगा किसी के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है। दूसरा, ये मिल भी जाता है इजीली। और थर्ड जो है आइसोटोप, आइसोटोप। जब भी ये एएमयू बनाया गया था 1960 के आसपास में बनाया गया था इसको, तो उस टाइम जो था वो कार्बन के आइसोटोप्स जो थे वो नोन नहीं थे। आज की डेट में कार्बन के जो है वो 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14, है ना। तो C12 जो है उस टाइम जो था वो कार्बन के आइसोटोप्स अवेलेबल नहीं थे। तो आज की डेट में भी अगर C12 जो देखे मैंने लिखा है C12, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 99% लेके चलो कि यही कार्बन जो है वो इसी फॉर्म में पाया जाता है, C12 वाली आइसोटोप की फॉर्म में ही कार्बन पाए जाते हैं। बाकी C13, C14 के तो ये रेयर हैं, ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट आते हैं हम अपने मोल पे, हाँ जी, एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और क्या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। केमिस्ट्री की टर्म्स में एक मोल जो है डेली लाइफ से जोड़ें तो जैसे एक डजन होती है, एक डजन जो होती है उसमें क्या होता है, हम जाते हैं शॉप में, हाँ जी एक डजन बनाना दे दो, एक डजन ऑरेंजेस दे दो, है ना। तो एक डजन में कितनी चीजें आती हैं, 12 कुछ भी हो सकते हैं, बनाना है ना, बनाना होगी, चेयर्स, पेंस, है ना। तो मतलब मेन जो है वो 12 है, 12 कुछ भी हो सकता है, बनाना हो सकते हैं, चेयर हो सकती है, पेंस हो सकते हैं। सिमिलरली मोल में भी 6.022 एक मोल की बात हो रही है, एक मोल में 6.022 × 10^23 एटम्स हो सकते हैं,
मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं और यहां से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको जो है, अगर आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पूछी गई है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने मोल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आप, जिस भी मॉलिक्यूल की बात हुई है, जिस भी मॉलिक्यूल में आपसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस पूछे गए हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि पहले क्या पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए मोल्स, पहले मोल्स पता होने चाहिए, उसके बाद आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब कैलकुलेट होंगे। जैसे अब मैं टाइप में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो यहां नंबर ऑफ मोल से बन जाते हैं। तो पहले करेंगे टाइप वन। टाइप वन में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज एन इज इक्वल टू, स्मॉल एन से इसको डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास को हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। Given mass divided by molecular mass. Given mass को आप small m ले लो और इसको capital M ले लो, ठीक है। अब numerical देखते हैं, जैसे हमारा question है, question number वन, calculate the number of moles इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम, इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स। डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, 60 ग्राम में पूछे हैं आपसे नंबर ऑफ मोल, तो 60 हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आई होप आपको आता होगा निकालने, नहीं आता है तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। हीलियम का, हीलियम जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, सेकेंड नंबर लास्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। हीलियम, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 4, तो डायरेक्ट यहां पे पुट करो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका 4। अब कैंसिल आउट करो, 4 1 4 5 20, इतने मोल, कितने मोल, 15 मोल, 15 मोल इज द राइट आंसर। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो, नंबर ऑफ, ये पार्ट वन ले लो और इसी में पार्ट टू इसी का ले लो, कि पार्ट टू में आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पहले आपको मोल्स निकालने, फिर एटम पूछे हो, मॉलिक्यूल पूछे हो, आयन पूछे हो, इलेक्ट्रॉन पूछे हो, प्रोटॉन पूछे हो, सब के सब निकल जाएंगे, लेकिन पहले निकले होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे आप, एक मोल में कितनी एटम्स होती है, एक मोल में होती है 6.022 × 10⁻²³ एटम्स, है ना। एक मोल में अगर इतनी एटम्स होती हैं, तो मोल हमारे यहां पे बने 15, तो 15 मोल में कितनी होंगी, 15 मोल इज इक्वल टू 15 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स, है ना। कैलकुलेट कर दो, 30 33 90 1 2 3 × 10⁻²³ एटम्स। So this is your answer. This is your answer. ये था टाइप वन का क्वेश्चन। आपको सिंपली बताया होगा, मतलब सिंपली आपसे पूछा होगा मास और मॉलिक्यूलर मास में इसमें बात होगी। अब सेकेंड टाइप, टाइप टू,
आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने आपने सेल्फ सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस से जो है वो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। टाइप टू, टाइप टू जो है वो बेस्ड है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मतलब जैसे पहले फॉर्मूला से चलेंगे, फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको जो है एन नॉट ले लो और इसको जो है वो एन ले लो, आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के ले लीजिए, सिंबल ही है। तो अब निकालना है हमें क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.0 44 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.044 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन। लगाइए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स, कितनी है 3.044 इंटू 10^23। ओके, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसको बोलते हैं? जितनी एटम्स एक एक मोल में जितनी एटम्स होती हैं उसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर हुआ हमारा 6.022 इंटू 10^23। कैंसिल करो 1 और ये 2 और कितना आ गया 1/2। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/2 या 0.5 मोल। ओके, सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन। आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन इतनी एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कैलकुलेट द, एक्चुअली इसमें एटम्स दी हुई थी तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां तक ठीक है, इतना आप रिमेंबर रखेंगे। अब चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 न्यूमेरिकल। टाइप 3 बताने से पहले आप कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो नोट करेंगे। टाइप 3, टाइप 3 जो है वो बोलती है कि कोई भी गैस है, अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, कोई भी गैस है वो एनटीपी पे कितनी वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करेगी। फिक्स है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। तो कहीं कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी होती है एनटीपी पे, किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। और अगर नहीं पूछा जाता है तो ये आगे न्यूमेरिकल जो है नंबर ऑफ मोल्स में वहां पे काम आएगा आपको। अ गैस एट एनटीपी, नॉर्मल एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, और कितनी होती है टेम्परेचर की होगी 0°C, मतलब 0°C टेम्परेचर होना चाहिए, साथ में 1 atmospheric प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atmospheric। तो अ गैस एट एनटीपी ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम। इसी के ऊपर बेस्ड अ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, याद रखेंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ये जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर।
गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स. कैलकुलेट द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ गैस. लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. अब देखेंगे इसको, क्या पूछा है आपसे, आपको निकालनी है कार्बन और ऑक्सीजन की एटम्स कितने लीटर पे. 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी इन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना है. तो वही फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें एटम्स सॉरी मोल्स मोल्स पहले पता होने चाहिए. पहले मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं. मोल निकालिए तो उसके बाद हमें एटम का पता चल जाता है. तो एटम यहाँ पे पूछे गए हैं, तो पहले पहला तो स्टेप वही रहेगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें. तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था. गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एनटीपी कितनी होती है 22.4 लीटर. तो गिवन वॉल्यूम यहां पे 11.2 है. 11.2 इज द गिवन वॉल्यूम हियर. सो डिवाइड द 11.2 बाय 22.4. ओके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 से जाएगा आई थिंक, है ना. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. ठीक है, 1 upon 2 कितने मोल्स प्रेजेंट हैं. 1 upon 2 लिख लो या इसको 0.5 मोल कर लो. ठीक है, 0.5 मोल आ गया. अब आगे क्या करेंगे, आगे निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स. आगे जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे. सो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल, है ना. तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर. एक मोल में एटम्स होते हैं 6.022 × 10^23. तो इसमें कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से. सिंपल है, 0.5 को जो है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6.022 × 10^23 एटम्स. जितना भी कैलकुलेट करके आएगा उतनी एटम्स बनेंगे. कितना आएगा, इसको ऐसे ही रख दो, 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 2s are 10, 5 2s are 10 और एक 11, 5 6s are 30, है ना. तो 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल, 1 2 3 4 यहाँ पे इतनी एटम्स बन गई. अब सॉरी क्वेश्चन मिटा दिया, आई होप आपने याद रखा हो. क्या पूछा था यहां पे, कैलकुलेट ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन की एटम्स निकालनी थी, है ना. किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में निकालनी थी कार्बन एंड ऑक्सीजन की एटम्स. तो अब ये जो थी ये तो पूरे में आई, ठीक है. कार्बन की आप अलग से निकालिए. CO2 इस मॉलिक्यूल को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में निकालनी थी ना कार्बन की और ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स. तो पहले कार्बन देखिए, CO2 में कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है. तो कार्बन के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन इज, एक से मल्टीप्लाई करना है जो भी आपके ऊपर एटम्स आए हैं. 1 × 3.0110^23 एटम्स. तो यही रहेगा आंसर. अब ऑक्सीजन के लिए देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक पूरा मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, एटम्स इन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे ऊपर नंबर ऑफ एटम्स आए हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.0110 इंटू 10^23 एटम्स. इनको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स अवेलेबल है. ऑक्सीजन दो बार है, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 200, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0, 2 3s are 6, इतनी एटम्स आ गई. कितना आया आंसर, 6.022 × 10^23. ठीक है, ये थे हमारे टाइप 3 के न्यूमेरिकल. टाइप 3 के न्यूमेरिकल मैंने आपको 3 टाइप के न्यूमेरिकल करवाए. अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट ईयर 2018 का क्वेश्चन है, टीजीटी कमीशन का 2018 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन. कैलकुलेट मतलब ऑप्शनल था क्वेश्चन, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते तो ऑप्शनल क्वेश्चन था. यहां पे मैं क्वेश्चन बना के बोल रही हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन. तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं और मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट फॉलो करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मोल्स बन रहे हैं, क्योंकि हमें जो है क्या पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं. एक मोल में होते हैं 6.022 × 10^23. मतलब कि अगर हमें पता चल जाए कि इसमें कितने मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे ना. तो पहले पता लगाइए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले. और ये यहाँ पे कौन सा टाइप लगेगा, यहाँ पे टाइप लगेगा टाइप 1. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था टाइप 1 में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास. ये मास गिवन है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन है, मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसको वैल्यू पुट करेंगे. फॉर्मूला लिख लेती हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 16 ग्राम, गिवन मास है 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मीथेन का मॉलिक्यूलर मास. मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे टोटल है 4 हाइड्रोजन, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ, 16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16/60 दैट इज 1 मोल. कितना मोल हुआ, 1 मोल. और 1 मोल में कितनी एटम्स होती हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज इक्वल टू एक मोल में कितनी, अगर यहाँ पे मोल वेरी करता, अगर यहाँ पे 2 मोल आते तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 1 ही आया है तो 1 में तो इतनी ही एटम्स होंगी, 6.022 × 10^23 सॉरी एटम्स नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे. इजी था न्यूमेरिकल. अगर आपको ये मोल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आपके लिए ये सारे ही न्यूमेरिकल्स इजी होंगे. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मोल कंसेप्ट. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.